10 जनवरी साल 1966 को ऐतिहासिक ताशकंद समझौता हुआ। इस समझौते पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। दरअसल इस समझौते से पूर्व अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने अपने 33,000 फौजियों को कश्मीरी लिबास में घाटी में प्रवेश करवा दिया था। पाकिस्तान ने कश्मीर जीतने के अपने नाकाम इरादों को ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम दिया। इस युद्ध में भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तान के लगभग 1920 किलोमीटर हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें सियालकोट, लाहौर और कश्मीर क्षेत्र शामिल थे। सितंबर 1965 को रात्रि 3 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के समापन की घोषणा की गई। आज ही के दिन हुए इस ऐतिहासिक ताशकंद समझौते के साथ ही भारत ने बड़े और उदार दिल का परिचय देते हुए पाकिस्तान के जीते हुए सारे इलाके उसे वापस कर दिए। 10 जनवरी साल 1920 को राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थापित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संसार में शांति स्थापित करने के लिए जितने भी प्रयास किए गए उनमें सबसे प्रमुख राष्ट्र संघ का गठन था। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व में हथियारों को कम करना, युद्ध के कारणों को समाप्त करना और विश्व में शांति बनाए रखना था। बाद में साल 1945 में राष्ट्र संघ के ढांचे और उद्देश्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाया गया। 10 जनवरी साल 2006 को भारत सरकार द्वारा विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा हुई। हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस के बीच एक मुख्य अंतर है। 14 सितंबर साल 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया, तभी से इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी साल 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया। तभी से आज ही के दिन दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। विश्व में जिन देशों में भारत के दूतावास हैं वहां विशेष रूप से इस दिन को मनाया जाता है।